गुड इवनिंग गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी फिर से राइड जाने के लिए। आज है मेरा तीसरा दिन और कल मैंने 3 ऑर्डर मारा है और 3 ऑर्डर की मेरी कमाई हुई है 147 रुपीस टोटल मिला के। डिनर पे मुझे मिला है 90 रुपीस, इवनिंग आर पे मिला है मुझे 45 रुपीस और डिस्टेंस पे मिला है मुझे 12 रुपीस। कल ज़्यादा ऑर्डर नहीं आया था, मैंने 10 बजे ही क्लोज़ कर दिया था और मैं घर आ गया वापस। ऐसे ही है, टाइम पास है तो टाइम पास ही करूँगा, मैंने कौन सा सीरियस काम करना है। चलते हैं अभी थोड़ी देर में राइड पे, फिर आपको नई नई चीज़ें दिखाऊंगा। आज मेरा फर्स्ट राइड उत्तम नगर साइड का है जहाँ से पिकअप करना है। पिकअप करने के बाद पता चलेगा मुझे डिलीवर कहाँ करना है। और ये एरिया पूरा का पूरा ट्रैफिक से भरा होता है, उत्तम नगर एरिया ऑल द टाइम। देखो अभी भी भरा हुआ है और कंपनी चाहती है कि टाइम से डिलीवर करें, जो कि इम्पॉसिबल है इस एरिया में। बिग बॉस चाहते हैं कि ऑर्डर को जल्द से जल्द डिलीवर किया जाए और हम चाहते हैं कि ट्रैफिक जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। टणैंग, काश मेरे पास भी घोड़ा होता, लूँगा बहुत जल्द लूँगा। साइड प्लीज। अब इस बस को कैसे साइड करूँ। साइड, यो रुक ही गया। तो टेस्ट ऑफ सीक्रेट, आई एम राइट। टेस्ट ऑफ सीक्रेट कहाँ है, और RTOC। टेक ऑफ चाइना, TOC। एक ऑर्डर है, 0080 ऑर्डर। मैजिक पेन से धन्यवाद। कहाँ से? सीधा क्लाइंट से था या फिर वो मैजिक पिन से? अच्छा, 0080 मैजिक पिन वाले ख्याल रखते हैं बहुत कस्टमर का। ख्याल नहीं रखते। एक मिनट बंद करना इसे। कलेक्ट हो गया है चिली पटेटोज, वेज नूडल्स। अब एड्रेस पे जाना है, नेविगेट टू द एड्रेस, नगली विहार। वाह, मैं हूँ अभी द्वारका मोड़ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। जो डिलीवरी को आधे से पौने घंटे में डिलीवर हो जाना चाहिए था वो अभी तक लटका पड़ा है और कस्टमर का कॉल भी आ चुका है। डिलीवरी का टाइम ओवर हो चुका है, ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं। क्या कर सकते हैं इस जाम का। टनैंग, पुलिस चौकी के पास रुक जाओ। पुलिस चौकी, पहले वाले ब्रिज पे रुको, दूसरे वाले ब्रिज पे रुको। अभी आ गए हैं कस्टमर। हाँ, तो दो तरफ से हो रहा था, दो लोगों से बात हो रहा था साहिल शर्मा के नाम से, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि डिलीवर किसको करना है। तो अभी मैं एक बार आईडी देख लेता हूँ इनका, उसके बाद मैं दूंगा इनको ऑर्डर आईडी। ठीक है, यही है, देख लीजिए। ठीक है,
ठीक है, थैंक यू। हाँ मैडम, कंफर्म कर लिया मैंने। वो उन लोगों ने मेरे फ़ोन से क्या कह रहे, मैं लूँगा तो मैं लूँगा। क्या कह रहे थे वो? कह रहे कि मेरा, मैं, ये मेरा ऑर्डर होगा, ये मेरा ऑर्डर होगा। मैं कहा भैया मेरे फ़ोन से हुआ है, मेरा। हम तो उसी को डिलीवर करेंगे ना, जहाँ से ऑर्डर आई है, हम किसी और को डिलीवर नहीं करते। पेमेंट भी मेरा था तो मैं हाँ, वो चाहे जिससे भी हो पेमेंट का, लेकिन ऑर्डर आई डी जहाँ से होगा वहीं से हम डिलीवर करेंगे। ठीक है मैडम, डिलीवर कर दिया, थैंक यू। ठीक है भैया, रोड टूटा हुआ था तो मैं वेट कर रहा था उसका, कस्टमर के आने का। हाँ अपडेट कर दिया। 200 का क्या रेट चल रहा है अभी? 95। नेक्स्ट ऑर्डर है वाव मोमो का, अभी तक इन्होंने गेट ही नहीं खोला है, क्रू ओनली। यहाँ से सिर्फ ऑर्डर मिलता है और उधर से कस्टमर सर्व होता है, इधर से एंट्री पॉइंट है। ऑर्डर में है वेज दार्जिलिंग स्टीम मोमो, दार्जिलिंग का मोमो। 6419 रेडी है, गिव मी अ मिनट। क्या लोकेशन आ रही है? नहीं, ये कैमरा है, व्लॉगिंग करता हूँ, रखो। ये है यूट्यूब का चैनल। अच्छा, यूट्यूब का चैनल। हाँ, यहाँ पे पहुँचने के लिए लगेगा 23 मिनट्स। 6.6 किलोमीटर है, ट्रैफिक की वजह से आधा घंटा लग जाएगा आराम से। टाइम है पहुँचाने के लिए 31 मिनट। ये रहा आपका डिलीवर, डिलीवर हो चुका है। अब ये तीसरा ऑर्डर है, मुझे जाना है बीकानेर स्वीट पे, 12 मिनट में पहुंचना है और 47 मिनट में डिलीवर करना है। तीसरा ऑर्डर बीकानेर पे आ गए। ऑर्डर नंबर देना पड़ेगा। 5566 रेडी है? 5566 ये ब्लॉगिंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए। ये कहाँ कहाँ से कुदाना पड़ता है, अननोन लोकेशन होता है, लोकेशन से जाना होता है, कुछ पता तो होता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। जहाँ रास्ता मिलता है उधर ही चल देते हैं। मैंने तो बात करने के चक्कर में ट्रैफिक लाइट ही नहीं देखा, अभी तो मेरा कट जाता चलान। फोन मैंने उल्टा रख लिया, पता नहीं चल रहा है। वाह, ओके वेट, थैला आ चुका है डिलीवरी के लिए, सो इट इज डिलीवर्ड। टाइम अराइव एट कस्टमर लोकेशन डिलीवर्ड। राजू चुड़चुड़ नान से यही है? बाहर में कोई बोर्ड ही नहीं लगा रखा, ऐसे कैसे पता चलेगा हमें? दे दो ऑर्डर, दे दो 9423 स्विगी। जिस नाम से है ना आपका, बाहर में एक छोटा सा बोर्ड लगा के दे दो, हम चार बार घूमे, इससे अच्छा है कि एक बार में पता चल जाए। हमारे टाइम बहुत कीमती होते हैं। अभी थोड़ा लेट होगा ना, कॉल पे कॉल आने लग जाएगा कि लेट हो गए, कहाँ रह गए। चूड़ चूड़ नान हो गया रेडी, मैंने कर लिया है कलेक्ट और अब चला डिलीवर करने। रेस्टोरेंट देख लो कैसे होते हैं, नाम भी बाहर डाल के नहीं रखते, पता ही नहीं चलता किस नाम से रेस्टोरेंट है। ऐसे ऐसे जगह से देखो
डिलीवर करते हैं खाना, और इतने ट्रैफिक में जाते हैं और कस्टमर्स के कॉल धाए धाए आ रहे होते हैं, तनाटन टनाटन टनाटन, जैसे कि ड्रोन से उड़ के आ रहा हो या हवाई जहाज में आ रहा हो उनका पार्सल। और ये उत्तम नगर जैसे एरिया में, वाह क्या ही कहना। ये देखो कितना टूटा हुआ रोड है, अभी ये ख़त्म होगा नहीं, रोड पे पहुंचते ही ट्रैफिक होगी इतनी ख़तरनाक वाली, इसका कुछ कहना नहीं। इधर लोग डिलीवर करने से पहले भी सोचते। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। हेलो राजीव मंडल, हेलो आपको आवाज़ आ रही है? हाँ स्विगी से ऑर्डर है आपका सर। हाँ लोकेशन पे हूँ जी, हाँ लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, यहाँ पे एक दुकान है। सॉरी चौराहे पे नहीं हूँ, अंदर हूँ, B78 के पास में हूँ, यहाँ पे पेड़ है, पेड़ के नीचे हूँ। एक दुकान तो है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पीछे स्कूटी तो कोई नहीं है। एक मिनट रुको, अंकल आटा चक्की कहाँ है? आटा चक्की आगे, फोर्थ फ्लोर पे इनको पहुंचाना है, हमारा काम है राइड करना और एड्रेस तक पहुंचाना। एसी वगैरह नहीं है आपके पास? नहीं। रास्ता दिख रहा है कितना डेंजरस है, राजधानी दिल्ली की सड़क है ये, आप लोगों ने यहाँ की सड़क को नहीं देखा होगा, करीब से देख लो दिल्ली की सड़क। शादी करने वाले जाम लगा देते हैं पूरा। अच्छा यहाँ पे है क्या पैसा मेकर? पता नहीं यहाँ पे GPS सिग्नल लॉस्ट बता रहा है। हाँ वो इसीलिए मुझे दिक्कत हो गया, काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा मैं। ठीक है थैंक यू। यहाँ पे मशीन दुकान तो नहीं पता, मैं माँ ज्वेलर्स के पास हूँ। आपका लोकेशन तो यहीं तक का था, उधर का लोकेशन डालना था ना। ये है मैजिक पिन, कितने का मिला ऑफर? कितने का ऑफर में आया? ये 130 ऑफ लगा। कितने का पेमेंट कितना किया था? 68। अरे वाह 68 में दो पिज़्ज़ा, गजब ऑफर लगते रहे। सही है, इससे ज़्यादा तो कंपनी को हमें पे करना पड़ेगा सिर्फ डिलीवर करने के लिए।